तो गाइस जब हम चल दिए हैं गुड़गांव से और अभी टाइम हो रहे हैं 6:15, तो अब सीधा जाते हैं गोवर्धन महाराज, बोलो राधे राधे। तो अब मैं यहाँ से भरवाता हूँ CNG और फुल बताता हूँ मैं कितने में भरी। वैसे ही पहले मैं फुल करवाई थी कल 464 की, अब देखते हैं यहाँ पे कितने की भरती है। और भर दो अगर आ रही है तो 80 रुपये की। तो पहला ब्रेक लिया है हमने, गुड़गांव से चले थे 6 बजे और अब हम पहुंच चुके हैं लगभग पलवल के करीब। तो KMP से जा रहे हैं और गाड़ी अभी तक तो भगवान की दया है एकदम बढ़िया चल रही है। तो गाइस आज पूरे दिन की थकावट एक परिक्रमा से मेरी पूर्ण हो गई है और अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो आपने अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो राधे राधे लिखना ना भूलें। तो गुड़गांव से यहाँ तक हमें 171 किलोमीटर पड़ा टोटल, यानी जो फुल सिलेंडर हमने भरवाए हैं जिसमें कि एक बार 465 और 80 रुपये का CNG भरवाई थी, उसमें अभी तक कितने चली है। अब ये देखो अभी भी 2 डंडे बचे हुए हैं। तो अब हम मथुरा वाली रोड पे हैं और CNG रिफिल करवा रहे हैं। जो फुल टैंक हमने भरवाया था एक बार 464 का, फिर भरवाया था 80 रुपये का, उसमें चल गई है 200 और 2 डंडे और बचे हुए हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कितने की और भरी है और नेट टैंक टू टैंक हम एवरेज निकाल के बता देंगे कि गुड़गांव हम कितने पैसे में पहुंच गए हैं। तो ये देखो अभी 200 किलोमीटर चल चुकी है और 2 डंडे आपको दिख रहे होंगे CNG के। तो CNG की जो भी हम एवरेज देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो खाली एक स्मूथ रोड और हाईवे पे ही निकल सकती है। तो अगर आप अच्छी रोड पे चलाओगे तो गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है। तो भाई यहाँ है 74 रुपये किलो CNG मथुरा में। तो ये हमारी गाड़ी, ये CNG का पंप गेल का। तो भाई यहाँ है CNG महंगी, तो हमने भरवाई खाली 153 रुपये की और CNG आई है 2 किलो करीब। तो सुबह 6 बजे हमने इसी पंप पे भरवाया था और अब दोबारा 9:45 होने वाले हैं, दोबारा इसी पंप पे फुल करवाते हैं। तो यहाँ पे 61 है, इस कारण हमने वहाँ पे खाली 150 की ही भरवाई 153 की, अब यहाँ पे फुल करवा देंगे। तो अभी दोबारा फुल हुई है 361 में 6 किलो। तो 315 पे अब मैं मीटर जीरो कर रहा हूँ। तो गाइस मैं रात को लेट हो गया था, अभी जब मैं एडिट करने बैठा तो मुझे लगा कि मैंने एक्यूरेट प्राइस तो बताया नहीं, तो 1.95 के करीब एवरेज आई है। 615 की CNG भर गई, क्योंकि आपने जो लास्ट में वीडियो देखी हमने यहीं से स्टार्ट में फुल भरवाई थी, यानी 80 रुपये की एक बार भरवाई, फिर 153 रुपये की वापस आते समय मथुरा से, और फिर दोबारा यहाँ पे हमने 385 के करीब की है फुल करवाई। तो 615 की नेट हमारी CNG डली, जिसमें हमारी गाड़ी चली 315। और इस बीच हमने, आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया भी कई बार, हमने रफ रोड पे भी चलाई, KMP से पलवल गए, पलवल से हम गए फिर शनिधाम, और शनिधाम से फिर हम लोकल वाला जो रोड है गोवर्धन के लिए वहाँ से गए, वहाँ से आए, और हम गाड़ी में थे 4 लोग, जिसमें से AC गाड़ी में कल चला नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर हीटर हमने चलाया, और गाड़ी की जो एवरेज स्पीड थी आप लगा सकते हो 70-80 के करीब थी। और 2 बार हम ट्रैफिक में भी फंसे, जैसे कि एक था, जैसे जो टोल पड़ता है मथुरा वाली रोड पे, एक टोल पड़ता है उस पर, ये लगा लो 15-20 मिनट का हमारे का जो जाम वाला टाइम था वो। तो ये नेट एवरेज आई है और ठीक है, वैसे CNG कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप CNG की गाड़ी की बात करें तो अगर आप हाईवे पे चलाओ, मतलब कि हाईवे का मतलब है मेरा कि जो आप, अगर आपके शहर में एकदम स्मूथ रोड है तो यहाँ खाली CNG सूंघती है गाड़ी, और अगर आप लोकल में चलाओगे तब पूरी CNG को पिएगी गाड़ी। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को डू सब्सक्राइब, ताकि हम भी कुछ कर पाएं।